चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस आर के मैं तो आप सभी का स्वागत है आर के 057 बैच में। बैच का नाम है ज्ञानशाला। टेंस का आज डे 3 है, 23 अप्रैल 2021। तारीख तो सही डाल दिया ना? हाँ ठीक है। देखो हमने टेंसेस को पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ मेरे क्विक रिविजन फीट के ऊपर करवाता बैठ हूँ। जाओ। देखो हाँ ठीक, वहीं बैठ जाते हैं, डोंट वरी। कहाँ बैठना है मुझे? हाँ सर पे। ठीक है, म्यूट करके बात किया करो, समझ गए। वैसे भी आजकल जूम एप्लीकेशन पे बातें लीक हो जाती है, 111 लोगों तक बात पहुंच जाती है, इसलिए अपने आप को म्यूट करो, उसके बाद जो बातें करनी है वो करते रहो। देखो टेंसेस का हमारा डे वन में हमने सीख लिया था पूरा का पूरा कि किस तरीके से टेंसेस के रूल्स को याद करना है। उसके बाद दूसरी जवान क्लास में, अरे सोनम जी एक सेकंड, मुझे कोई कदम उठाना, बस अब सारे चुप हो गए। बस अब किसी को जरूरत पड़े तो बोल करके मुझे बता देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। ठीक है, देखो तो डे वन की क्लास में हमने सीखा था कि हाउ टू लर्न टेंसेस, टेंसेस के रूल को याद करने की ट्रिक्स जो होती है वो हमने बात करी थी यहाँ से। ये पूरा कि ट्रिक टू लर्न रूल्स ऑफ टेंसेस, तो जिन बच्चों ने डे वन की क्लास मिस कर दी थी बड़ा नुकसान हुआ उनका, तो मेरे से बैकअप का लिंक मांग लेना, मैं दे दूंगा डे वन का और डे टू का। ठीक है, तो ये डे वन में हमने टेंस के रूल को याद करने की ट्रिक सीखी थी, और उसके बाद बात करते हैं डे टू में। तो डे टू में हमने इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखे थे, बड़े इंटरेस्टिंग और धांसू लेवल के थे, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जिनमें कि 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हाथों हाथ हमने खत्म भी कर दिया था। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर वन में हमने बात करी थी, कॉन्सेप्ट नंबर वन के अंदर हमने देखा था यूज ऑफ टाइम, सेंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। देन उसके बाद बात करी थी कि सेंस के हमारे पास दो इस्तेमाल होते हैं, एक टाइम के लिए एक एक्शन के लिए, टाइम में क्या आएगा एक्शन में क्या आएगा, वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में टाइप्स ऑफ एक्शन, एक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, अब इनके एक्शन के टाइप क्या क्या थे, तो हमारे पास इनके मैंने डिटेल में एनालिसिस करके बताया था कि ऐसा क्यों इंग्लिश में होता है कि टाइम आ जाते ही हमारा इज एम आर कट के हैज बिन हैव बिन में बदल जाता था। ये मैंने आपको पूरे ब्रीफली समझाया था अच्छे तरीके से। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 और लास्ट, ये लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आकर के खत्म हो गया था, यूज ऑफ टाइम विद एक्शन, कि जब भी हमारे पास सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आता है तो ध्यान ये रखना है कि कंटिन्यूस के साथ नॉट पॉसिबल, टाइम कभी नहीं आ सकता, बाकी इन तीनों में आ सकता है। कंडीशन अप्लाई थी क्या क्या था कि इसके साथ टाइम आएगा ओनली इन द केस ऑफ हैबिट, परफेक्ट के साथ टाइम आ सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ टाइम आ सकता है, दोनों की मीनिंग भी क्या होगी, सेम मीनिंग होगी, जो कि आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे करके भी दिखाए ये सारे के सारे। आज हम इसके आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आज हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार होकर के बैठ जाइए। और अगर आपके घर में वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, वाईफाई नहीं है तो बेटा हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को ये अटके झटके लगे, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता फिर, आपका नेटवर्क का अगर इशू है तो। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5। देखो इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम यूज ऑफ टाइम विद टेंसेस करते थे तो उसमें हमने देखा था कि सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस कि किस तरीके से हम जो है टाइम का यूज किस में किस कंडीशंस के साथ कर रहे थे। सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो होकर के हमारा एक अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सा, ये वाला, लिखो पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस इसका एक छोटा सा नियम होता है, नियम क्या होता है लिखो, अगर कभी पॉजिटिव केस के साथ टाइम का यूज न किया जाए तब तो सेंटेंस बनेगा सिंपल टेंस के अंदर। क्या बोला मैंने, अगर पॉजिटिव के साथ टाइम ना हो तो बनाओ सिंपल में, और अगर पॉजिटिव केस के साथ टाइम जुड़ जाए तो किस में बनाओ, लिखो जल्दी, परफेक्ट टेंस के अंदर। इन दोनों को जल्दी से लिख लो, ये रूल आपको बेटा किसी भी किताब में जल्दी नहीं मिलेंगे। सॉरी सर लेट हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लेट हुआ कर, नई बात थोड़ी है, नालायक हो, जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर पॉजिटिव के साथ टाइम ना आए तो सिंपल में बनाओ, पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट में बनाओ। अब ये पॉजिटिव होता क्या है और ये टाइम आए ना आए, ये बड़ा
पेचीदा सा लग रहा है कॉन्सेप्ट, है ना, लेकिन है बहुत इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखो अभी समझाता हूँ, लिखने का काम हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना। अमित यादव जी का हो गया है, यतिन का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सोनम गुप्ता, सॉरी सोनम सोनी, केतु कुमारी, सोमा करते, बस बाकी को अभी कर ही रहे हो क्या? शाबाश शाबाश शाबाश, मोस्टली बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे की जानकारी क्या है। देखो पॉजिटिव का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इन रूल को सीखेंगे कि रूल बने कैसे, हम वो भी सीखेंगे। गुड इवनिंग सर, अश्वनी फ्रॉम पंजाब, अरे वाह आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये पंजाब से भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, आप सभी को बता दूं, ये जो अश्वनी है फ्रॉम पंजाब, इनका नेट अभी क्लियर हुआ है लास्ट टाइम, काफी मुझे अच्छा लगा, इन्होंने सबसे पहले मुझे ही फोन करके बताया कि सर मेरा नेट क्लियर हो गया है, अब ये प्रोफेसर बन जाएंगी, तो काफी प्राउड फील हुआ मुझे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हमेशा जिंदगी में। चलो पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा अधिकार, क्या होता है अधिकार, यानी कि ऑनरशिप, किसी भी चीज के ऊपर अधिकार होना। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कहा कि दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, रश्मि इज अ गुड गर्ल, ऐसे सेंटेंसेस में कोई पॉजिटिव की बात नहीं दिखती है। लेकिन अगर मैं कहूँ सेंटेंस ऐसा कि आई हैव अ पेन, शी हैज अ बुक, दे हैव अ कार, शी हैज अ नॉवल, ऐसी कोई बात आ जाए, यानी ये अधिकार, पॉजिटिव की बात दिख रही है। तो अगर कभी भी अधिकार वाले सेंटेंस के साथ टाइम ना हो तो वो सेंटेंस किस में बनता है, सिंपल में, और अगर पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो किस में बनता है, परफेक्ट टेंस में बनता है, राइट? बोलो यस। अब देखो इसके आगे की जानकारी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद ये रूल बना कैसे वो भी देखते हैं, ठीक है? चल देखो, सोमा हैज दिस बुक फॉर 3 months, but now she is going to send it to her sister. ये sentence, Soma has this book for 3 months, but now she is planning to send it. She is going to send it to her sister. ये सेंटेंस है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बेटा वो शांत रहना जरा, और बाकी बच्चे को बताने दो। मैं आप लोगों की आपको आवाज लौटा रहा हूँ बेटा, लेकिन फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, अननेसेसरी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा खुद को, ठीक है? अपनी बात बोलना और उसके बाद अपने आप म्यूट कर देना। चलो जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो 1 मिनट के लिए होल्ड करना। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते, नमस्ते अश्वनी जी, कैसी हो? बढ़िया। काफी टाइम से आपसे बात नहीं हुई थी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। मैं भी बड़ा, कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पंजाब तक से बच्चे मेरे को इतना प्यार करते हैं। मतलब जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत प्यार है सर आपसे, रेस्पेक्ट बहुत आपके लिए सर, आपकी वजह से आज यहाँ तक पहुँच गए हम। अरे नहीं, वो आपकी मेहनत थी, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, आपकी मेहनत है, हम लोगों का बस मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन सबको ही मिलता है, लेकिन जिस दिए में तेल ना हो ना, उस दिए में कितनी भी माचिस लगा दो वो कभी जल नहीं सकता, तो वही चीज थी। हम तो माचिस हैं, हम तो जलाने की कोशिश तो सभी में सारे दियो को करते हैं, लेकिन जिसमें तेल होता है वही तो जलेगा, वही चीज है। तुम्हारे अंदर टैलेंट था, तुमने उस चीज को किया। ओके एवरीबॉडी, आंसर दो, आंसर आंसर ये आया है, आंसर ज्योति यादव का आंसर आया, गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दे रही हो। मैं आंसर समझ के चैट बॉक्स को खोल रहा हूँ तो देखता हूँ लिखा है गुड इवनिंग सर, ये बोल के बता देती पुत्री। चलो सर आप जैसे गुरुजी मिल जाएंगे ना, उस दिए में तेल भी हो जाएगा। सही मस्का लगाते बेटा तुम लोग। चलो सर इसका ये हो सकता है कि सोमा के पास ये बुक थी 3 महीने से, पर अभी अपनी सिस्टर को दे रही है। हाँ बिल्कुल यही मीनिंग है इसकी, 3 महीने से उसके पास ये किताब पड़ी हुई है, वो चाह रही है कि मैं दे दूँ अपनी सिस्टर को। चलो रूबी, तो आंसर क्या लग रहा है बेटा आपको? चलो मैं हिंट करता हूँ बेटा,
थ्री मंथ्स तक, यहीं तक गलती है, सोमा से लेकर के थ्री मंथ्स, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं गलती है। अब एक बार बताओ, हैज नहीं आएगा सर, हैज की जगह हैज हेड आएगा। अच्छा ओके, और कोई बताएगा? कनिका कपूर क्या अनुरोधा? चलो जो डेट कर रहे हैं बताने में, मैं बता देता हूँ आंसर। ये यतिन वैसे बता चुका है, ये सिंचन है बच्चा, तो ये यतिन ने बता दिया आंसर, हैज और हेड दोनों एक साथ आएगा। मतलब इसका नाम यतिन है लेकिन इसको मैं प्यार से क्लास में सिंचन बुलाता हूँ। तो ये मेरा ऑफलाइन का बच्चा है, इसने फट से आंसर दे दिया, मैं समझ गया इनकी आवाज एक तो डायनासोर जैसी, तो मैं सुनते ही समझ गया यतिन ही होगा पक्का। चलो तो सोमा हैज हेड दिस बुक फॉर थ्री मंथ्स बट नाउ शी इज प्लानिंग टू सेंड इट टू हर सिस्टर। अब यहाँ हैज और हेड का यूज एक साथ कैसे किया गया, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए समझा देता हूँ हैज और हेड का यूज कैसे किया गया, आज समझ पर ध्यान से। एक एग्जांपल देता हूँ अलग सा, आ जाओ बेटा देखो। आई हैव दिस कार फॉर 2 years बट नाउ आई एम planning to change it। ठीक है, देखो बेटा रूबी और जितने भी रूबी डूबी डूबी जितने बच्चे नए बैठे हैं जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आई हैव दिस कार फॉर 2 years, यहाँ पे बेटा हमारे पास टाइम वाला पार्ट आ गया। आई हैव दिस कार, ये हमारे पास टेंस वाला एरिया आ गया। तो आई हैव दिस कार, सिर्फ अगर हम इतना इतना पढ़े आई हैव दिस कार तो ये कौन सा टेंस बनेगा? बाकी लोग चुप रहना, नए बच्चों को कोशिश करने दो। I have this car, ये कौन सा टेंस होगा? लक्ष्मलीक, अशिका, टी प्लस एन, रूबी, जो बच्चे नए हैं वो बताओ। कनिका कपूर बताओ पुत्री, जो नए हैं वो एक बार ट्राई करो। I have this car कौन सा टेंस होगा बोलो? सिंपल टेंस। क्या बताए? हाँ ये आंसर आया हर्षिका का। हर्षिका बेटा बोल के ही बता दो। मोनिका राकेश कहती है प्रेजेंट परफेक्ट, हर्षिका कहती है परफेक्ट, अकेला परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कौन सा होगा बेटा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल गलत आंसर है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कैसे नहीं होगा ध्यान से सुनो। मान लो अगर हमने कहा कि दे हैव बॉट अ कार, ठीक है, और दे हैव अ कार। अब देखो बेटा पुत्री रूबी डूबी डूबी जो भी इसको परफेक्ट बोल रहे थे, ध्यान से सुने, यहाँ पे हमारे पास दोनों में हैव लिखा है, तो क्या हम दोनों को परफेक्ट बोल दें? नहीं बोल सकते ना भाई, दोनों में हैव लिखा है लेकिन दोनों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं। ऊपर वाले में हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हेल्पिंग की तरह काम करेगा, तो जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग हेल्पिंग की तरह काम करता है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आई बात? बोलो यस। नीचे वाले में आ जाओ, नीचे क्या हमारे पास कोई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी? नहीं थी ना। जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हेल्पिंग हेल्पिंग है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। याद रहेगा हर्षिका? क्लियर याद रहेगा ना ज्योति यादव, कि जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग yes, हेल्पिंग है, मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग ही मेन बन जाती है। यानी कि जब सासूमा घर पे रहती है तो बहू बहू रहती है, सासूमा घर पे ना हो तो बहू ही, हाँ बाकी समझदार हो, ठीक है, वही सेठानी बन जाती है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब अगर ये बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी, तो इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे गो, वेंट और गॉन। और यही गो का गोज होता है, सिखाया था ना मैंने लास्ट क्लास में, उसी तरीके से इसकी भी फॉर्म होती है। पहली फॉर्म होती है हैव, दूसरी होती है हैड, और थर्ड फॉर्म फिर से होती है हैड। और यही हैव हैज होता है ही शीट के लिए। समझ में आया? बोलो यस। अब ये हैव की कौन सी फॉर्म निकली बेटा? अगर ये मेन वर्ब बन गई तो इसकी फॉर्म भी होगी, तो ये फॉर्म हैव हैड हैड। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस निकला? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्लियर हुआ? डन 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 डन। ज्योति यादव, हर्षिका, रूबी डूबी, वेरी गुड, शाबाश। तो आज के बाद ध्यान रखना कि कहीं पे भी हैज हैड देखते ही मत बोल देना कि सर वो परफेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना।
सारे के सारे हैजर हेड परफेक्ट नहीं होते हैं, हर चौधरी सपना नहीं होती है, हर पीली चीज जेसीपी नहीं होती है, और हर श्वेता जुम्बैली नहीं होती है। उसी तरीके से सारे हैजर हेड जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर वो हमारे पास सिंपल था तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारे पास सिंपल ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट निकला। अब आपको याद होगा बेटा, अभी हमने पीछे एक रूल सीखा कि अगर पॉजिटिव के साथ टाइम ना हो तब तो सिंपल में बना दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो किस में बनना चाहिए था, अभी से लिखवाया था ना, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में बनना चाहिए था। अब परफेक्ट में बनना चाहिए था, ये सिंपल में बना हुआ है, इसको काटो, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, तो उसका रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, यही होता है ना कछु कछु। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे इसके करते हैं एक बार, सब्जेक्ट उतार लिया आई, ऑब्जेक्ट मान लिया दिस कार, हो गया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए पुत्री, थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, हैड, ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का काम खत्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम खत्म, क्या बच गया, हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव, समझे, क्लियर हुआ, आई हैव हैड दिस कार, ये होगा सही आंसर, क्लियर हुआ, हाँ या ना, डूबी डूबी, राशि मलिक, चलो सबको क्लियर है, किसी को भी डाउट आए तो इमीडिएटली पूछ लेना, ठीक है। ध्यान रखना सारे हैज हैव हैड देखते ही मत बोला करो, परफेक्ट है, जल्दी इसको या तो नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट मार लो। हो गया, चलो अब आगे की खबर सुनो। अब देखो आपने एक वर्ब सुना होगा इस तरह, अच्छा एक सेकंड, पहले इसको देख लो कि इसको नॉर्मल लाइफस्टाइल में जब यूज करना हो तो कैसे करोगे। देखो जैसे अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल कहा कि मेरे पास यह किताब है, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास 3 वर्षों से यह किताब है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो हम कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि आई हैव दिस बुक, होता है। अब दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है बस, बाकी सब तो सेम ही है। पहले यहाँ पे फॉर 3 इयर्स मेंशन कर दो, अब मेरे पास एक किताब है तो आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 इयर्स, ऐसे बोलना चाहिए, समझ गए। तो अगर कभी भी टाइम मेंशन कर देना तो हैव हैड, हैज हैड, ऐसे करके यूज करना, क्लियर हुआ, बोलो यस, यस सर, वेरी गुड, शाबाश। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं है की जगह था लगा दू, है की जगह था लगा दू, तो हो जाएगा आई हैड हैड, समझ गए, दो बार हैड आ जाएगा, क्लियर हुआ, वेरी गुड। वही अगर यहाँ पे आई की जगह सोमा लगा दिया तो हैव की जगह हैज हो गया, यहाँ पे सोमा हैज हैड, यानी कि एक हो गया हेल्पिंग वर्ब और एक हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया परफेक्ट, वेरी गुड। अब आगे सुनो, एक वर्ब आपने सुना होगा ईट, ईट, एट, ईटन, और यही ईट जो होता है हम इसको ईट्स भी बोलते हैं ना, ईशीट में। अच्छा आपने सुना है बचपन में लंच में मैडम कहा करती थी स्कूल में, बेटा टेक योर लंच, take your lunch, have your lunch, इस तरीके से। तो बेटा eat को हम have से replace कर सकते हैं, जैसे I eat my lunch, I have my lunch, ऐसे भी बोलते हैं ना, I have my lunch, I eat my lunch। तो जैसे अगर मान लो मैंने ये कहा कि I have eaten my lunch, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, I have had my lunch, है कि नहीं। Eaten अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी तो थर्ड फॉर्म है, समझ में आई बात। तो आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माय लंच, तो जो लोग बाग ऐसे बोल के हीरो बन जाते हैं ना, और आप एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है, हे भगवान, हाय रे दैया, मोरी मैया, कहाँ इंग्लिश बोलता हो, तो बेटा वो यही वाली इंग्लिश होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसको हम हैव से रिप्लेस करते हैं, वो उन्हीं में से था ईट, ठीक है। तो eat, at, eaten, have, had, had, ऐसे इसको replace किया जा सकता है।
डन 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 आगे बढ़े बोलो यस यस शाबाश ओके जी अगले पे आ जाओ बेटा कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स है ना हाँ सिक्स ही होगा सिक्स नंबर बेटा एक बार जरा बताना इस सेंटेंस का को अरे कहाँ गया पुत्रो हाँ The teacher dash to meet them. Want was wanting is wanting wanted. Want. अरे एक ही बार में आंसर कौन था ये आरुल तुम पहले पढ़ी हुई हो नहीं क्या बात कर अपने आप आंसर दिया क्या बात है बहुत बढ़िया बेटे शाबाश बहुत अच्छे बिल्कुल गलत आंसर है और कोई बताएगा wanted. Sir. Wanted. हाँ बहुत बढ़िया अब वो बेचारी कोमा में जा चुकी है उसको शौक लग गया है सर ने पहले तारीफ करी हीरो बना दिया और उसके बाद कहते हैं बिल्कुल गलत है बेचारी का मुंह सर ये क्लास में बहुत कर रहा है हमारे साथ ये बड़ी खुश हो गई थी ये ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं समझेंगे ना इस कहानी को ये ऑफलाइन वाले बच्चे इस दर्द को जानते हैं ऑफलाइन वाले बच्चों की क्लास में यही होता है कि जब कोई नया बच्चा क्लास में घुस जाए और पहले तो बड़ा हीरो बन के हाँ सर यही आंसर है पहले तो खूब चढ़ा दिया जाता है उसको अरे वाह बहुत बढ़िया शाबाश वो एकदम खड़ा हो गया हीरो बन बेटा बिल्कुल गलत है वापस फिर नीचे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा लगता है आओ बेटा कभी हवेली चलो तो देखो यहाँ पे हमारे पास वॉन्ट उन्होंने सीधा आंख बंद करके बोल तो दिया वॉन्ट लेकिन आंसर वॉन्ट नहीं है देखो कैसे कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स में अब हम क्या सीखने जा रहे हैं बेटा ध्यान से सुनो आपने इंग्लिश में सुने होंगे कि कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनके यूज में हम कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते एक छोटा सा एग्जांपल से और बताता हूँ मान लो मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट ठीक है और एक एग्जांपल मैंने कहा आई एम लाइकिंग क्रिकेट अब बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है I am playing cricket. ये सही है ना ये गलत है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना आई एम लाइकिंग क्रिकेट कभी सुना ही नहीं होगा आपने है ना जबकि देखो बच्चों दोनों में टेंस सेम है दोनों के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो किया जा रहा है सब्जेक्ट प्लस एजेएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है उसके बावजूद भी पहला सही है दूसरा गलत है क्यों वो कारण है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स है लिखो स्टेटिव वर्ब इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कई किताबों में आपको ऐसे ज्ञान पेला जाता है स्टेटिव वर्ब स्टेटिव बेटा स्टेटिव लिखा है एसटी ही तो है ध्यान से देखो ठीक है तो स्पेलिंग पढ़ो ठीक से एस टी ए टी आई वी स्टेटिव वर्ब ठीक है क्या पढ़ती हो तुम कमाल हो रूबी देखो तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है आपने कई जगह देखा होगा कि ऐसा ज्ञान पेला जाएगा आपको कि स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें आईएनजी कभी नहीं आता लेकिन मेरी बात मानो ये बात बिल्कुल गलत है कि कभी नहीं आता ठीक है आता है एक्सेप्शन भी होते हैं तो आपको कैसे याद रखना है तो ऐसे याद रखो स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं बेटा जिनका यूज हम जब करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें केयरफुल रहें कैसे हमारे पास चार तरीके के एक्शन होते हैं सिंपल एक्शन कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ध्यान रखें कि स्टेटिव वर्ब जब भी यूज होगा वर्ब तो उसको हम सिंपल में बना सकते हैं परफेक्ट में बना सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते ठीक है जल्दी से टीप लो एक बार जल्दी इस बात को पहले जल्दी से टीप लो और जब टीपने का काम हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना टीप लिया शाबाश सर आपसे एक बात पूछनी थी ओ बेटे अगर
वही जॉब से रिलेटेड बात होगी या कुछ और हेल्प वगैरह की बात है तो व्हाट्सएप पे वो आपने जो लिंक सेंड किया है उसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ना? वो कह रही है सर टिप लिया, देखो चैट में लिखती है वो टिप लिया सर, बढ़िया तुम तो कहो सर हाँ लिख लिया, तो मेरी तरह ही बोल रही हो टिप लिया सर, चलो हाँ बेटा कभी भी एक्सेस कर सकती हो। देखो तो यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में हमने क्या बात करी कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में कभी नहीं कर सकते। इसका पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्शन रूल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? ये सर्वमान्य रूल है पूरी इंग्लिश का। अब जैसे लाइक एक वर्ब था, ये स्टेटिव है, अब आप इसका इस्तेमाल सिंपल में कर सकते हो, आई लाइक क्रिकेट, परफेक्ट में कर सकते हो, आई हैव लाइक क्रिकेट, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। जैसे आई एम लाइकिंग क्रिकेट गलत हो गया, आई हैव बीन लाइकिंग क्रिकेट गलत हो जाता है। यानी कि आप जब भी स्टेटिव वर्ब आपके सामने दिख जाए गलती से भी, कहीं अटकता भटकता कहीं दिख जाए रास्ते में, तो पकड़ के फेल देना, मतलब उसको समझा देना कि भैया सिंपल में तुम्हारा यूज किया जा सकता है, परफेक्ट में यूज किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं करना था, ठीक है? ओके, अब सवाल नंबर दो कि गुरु जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला शब्द स्टेटिव वर्ब है या नहीं है? यहाँ तो चलो एक मिल गया लाइक, लेकिन इस जैसे तो न जाने कितने होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा स्टेटिव वर्ब था या नहीं था, है ना? और एक और पॉइंट कि सर अभी आपने बोला कि कभी नहीं आ सकता, ये बात बोलनी गलत है, कभी कभी आ भी सकता है, वो कभी कभी का मतलब क्या है, कब आएगा वो भी बता दें, है ना? चलो सुनो, ज्ञान अधूरा लेना बड़ा पूरी की पूरी बातें सीखनी जरूरी होती है। तो बेटा एक मिनट के लिए म्यूट ही रखो अपने आप को, लव भी स्टेटिव होता है, बिल्कुल बेटा होता है होता है। अभी चलो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटिव वर्ब बहुत सारे होते हैं, अब अगर मैं आपको एक एक करके लिखवाना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए आपको रटना नहीं है, एक ज्यादा से ज्यादा कितना रट लोगे, 1, 2, 3, 4, 15, 20, है ना? यूपीएससी अगर आपने मेंस क्लियर किया हुआ है तो 15, 20, 25, 100 भी याद कर सकते हो, है ना? तो इससे बेटर ये ऑप्शन है कि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ठीक है? कैसे किया जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब्स, आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग से वो डाउट ही क्लियर खत्म हो जाए कि सर रटने वाली बात, समझ गए? तो वो यूपीएससी मेंस क्लियर वाला नहीं बनना आपको फर्जी माल। देखो कुछ हमने पहले यहाँ पे वर्ब लिए अपने हिसाब से, टीच, प्ले, ईट, राइट, रीड, रन, स्लीप, लव, हेट, फॉरगेट, फॉरगिव एक्सेट्रा, ठीक है? कुछ वर्ब लिए मान लो यहाँ पे। अब यहीं से हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कैसे याद होगा और कैसे नहीं। तो अभी से 15 मिनट तक सिर्फ ध्यान से सुनते रहना बेटा, अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना तो जिंदगी में कभी भी स्टेटिव वर्ब आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरे लिए, ठीक है? अब सिर्फ ध्यान से सुनते रहो। मान लो हमने कोई टाइम ड्यूरेशन ले लिया, 12 बजे किसी काम को हमने क्या स्टार्ट, 3 बजे हमें उस काम को करना है क्या खत्म, 3 घंटे का ड्यूरेशन लिया। पहला हम शब्द उठाते हैं क्या, टीच, 12 बजे मैंने टीच करना शुरू किया, 3 बजे तक मैंने टीच किया, एक टाइम ड्यूरेशन कवर किया, आया ना, 12 से लेकर के 3 बजे तक मैंने पढ़ाया। अगर मेरे से अगले दिन कोई पूछता है कि हाँ भाई कल 12 से 3 क्या कर रहे थे तुम, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं 12 से 3 बजे तक मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग दैट टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं, राइट? अच्छा एक दूसरे एंगल से समझो इसको, मान लीजिए मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को, 3 बजे तक पढ़ाना है, बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आया 2 बजे, अब 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैंने लगातार पढ़ाया, इसके बाद आप लोग कहने लगे कि सर 5 मिनट का प्लीज ब्रेक दे दो, 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, थक गए हम लोग। मैंने चलो ठीक है भैया 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अब 5 मिनट का मैंने आप लोगों को गैप दिया, 5 मिनट का मैंने आप लोगों को गैप दिया, और उसके बाद वापस आकर के जब हमारा गैप खत्म हो गया वो, तो
उसके बाद मैं जहां पे मैंने अपने क्वेश्चन को रोका था वहीं से दोबारा इसको क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। मतलब 5 मिनट का जो हमारा ब्रेक टाइम था वो खत्म हुआ, उसके बाद हम वापिस आए क्लास में बैठे और जहाँ पे हमने सवाल को रोका था वहीं से इसको कंटिन्यू कर दिया। तो टीच का टीचिंग बन सकता है इसका मतलब, है ना, इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अब जैसे प्ले है मान लो, ठीक है, अब प्ले है, अब हमारे पास दो पर्सन है, ये एक है ये और एक है ये, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये रूबी डूबी डूबी और ये हर्षिका, ठीक है। अब ये रूबी और हर्षिका ये दोनों खेल रही है, प्ले, दे आर प्लेइंग, ठीक है, ये दोनों खेल रही है कंचे, ठीक है। तो इतने में क्या होता है कि इनकी मम्मी बुला लेती है, अरे बेटा आइए जरा जरा सब्जी ले आइए, है ना। अब ये दोनों दौड़ के जाती है अपना सब्जी पानी तेल जो भी है लेके, अपना काम धाम करके वापस आती है। उसके बाद जहाँ पे इन्होंने खेलना रोका हुआ था वहीं से इसको दोबारा कंटिन्यू कर सकती है। तो प्ले का प्लेइंग भी बन सकता है, यानी ये भी स्टेटिव वर्ब नहीं है, जिसपे मैं टिक मारता जा रहा हूँ वो स्टेटिव वर्ब नहीं है। अब जैसे ईट, अब मान लो कि रूबी जो है अपने घर में कुछ खा रही है, जस्ट इमेजिन, चाउमीन, समोसे, टिक्की पीस, ब्रेड पकौड़े, पिली चटेटो और बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब मोनिका, ये हर्षिका उनके घर के बगल से गुजरी, है ना, उनके बगल से गुजरी, घर से गुजरी थोड़ी दूरी से, उनको खुशबू आ गई, ओ माई गॉड, तगड़ी वाली खुशबू आ रही है, ठीक है। अब जो है वो वापस इनके घर की तरफ बड़ी, कहते हैं ना बात की आंख लड़की के नाक पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए, उनको खुशबू आ गई, उनके घर में आकर के ठोकती है दरवाजा, ए रूबी गेट खोली बहन, रूबी सोचते है यार ये आ गई अब ये खा जाएगी पक्का, मैं यार मैं मेरे नसीब में नहीं लिखा, ये चुपचाप फटाफट सारा जितना भी बर्तन भांडा होता है सोफे के नीचे छुपा देती है और आकर के चुपचाप गेट खोलती है, बोलती है क्या है बहन, ए बहन दियो जरा, भाग यहाँ से, चल फुट इसको भगा दिया, बोला मैम अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, चल भाग यहाँ से, देने का मन नहीं था तो क्या करती, भगा दिया इसको। अब बेचारी हर्षिका नाराज हो गई, अब हर्षिका के बगल में एक रहती है ज्योति, अब ज्योति से इसने कंफर्म किया, ये बहन बताइए खुशबू सी घर से आ रही थी, ज्योति कहती है बहन सूंघ तो मैं भी रही, क्या करें, है ना। तो ऐसे में अब क्या होता है, वापिस अब ये देखती है कि हाँ ये जा चुकी है रूबी, रूबी देखते जा चुकी है, तो अपना सोफे के नीचे से अपना प्लेट बर्तन भांडा सब निकाल लिया, सब कुछ निकाल करके जहाँ पे इन्होंने खाना रोका हुआ था, मतलब चूहे को हटाया और वहीं से कंटिन्यू शुरू कर दिया, वहीं से वापस ईट का ईटिंग चालू, ठीक है। अच्छा राइट, अब मान लो रूबी ने कोई पोएम लिखनी शुरू करी, 12 बजे लिखनी शुरू करी, 3 बजे तक लिखनी है, 2 बजे लाइट चली गई, अब इन्होंने सोचा छोड़ यार बाद में लिखूंगी, अब लाइट आएगी उसके बाद लिखेंगे, और जब लाइट आई 2 घंटे बाद और उसके बाद वापस इन्होंने जहां तक लिखना खत्म किया था वहीं से इसको कंटिन्यू कर दिया, तो राइट का राइटिंग भी हो सकता है, राइट। अच्छा अब जतिन, एक एग्जांपल जतिन का भी ले लेते हैं, अब मान लो जतिन है और उसने 12 बजे कोई चीज रीडिंग करनी शुरू करी, 3 बजे तक रीडिंग करनी है, 2 बजे तक ये थक गए, बड़ा एकदम दिमाग में दर्द हो गया, जतिन भी बहुत थक गए पढ़ते पढ़ते, अब इनके दिमाग से आवाज आई, ओ चचा है ना थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग ने इनको धमकी दी, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस, बीच की लाइन गायब करो, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना, तो चचा चचा बोलते, तो इन्होंने कहा भैया रेस्ट कर लो, अब इन्होंने रेस्ट किया, 2 घंटे बाद वापस वहीं से पढ़ना शुरू, रीड का रीडिंग हो सकता है। रन, इमेजिन करो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है पारुल, ठीक है, पारुल, हर्षु, रूबी, ये सब जो है इनको किसी ने बताया है कि भाई भंडारा हो रहा है उधर मुखर्जी नगर, भाई साहब ये तीनों भंडारा लवर ये भागना शुरू कर, एकदम दम लगा करके इस पॉइंट से भागना शुरू करे, इस पॉइंट तक भाग के जाना है, ठीक है। ये आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कौन कौन थी, रूबी, हर्षिता और ज्योति, आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते इनके फेफड़े फूल गए तीनों के तीनों, ओह बिल्कुल, आगे से पारुल आती है हाथ में 2 पन्नी लेके, एक में पूरी भरी है एक में सब्जी, और कहती है ए बहन रुक क्यों गए, जल्दी भाग के जा जल्दी, कुछ खत्म होने वाला, हलुआ हलुआ बचा है, फिर क्या था, इन्होंने फिर चप्पल हाथ में उठाई, पन्नी जेब में भरी, वापस भगना फिर से, है ना। तो रन का रनिंग बन सकता है, क्योंकि बीच में 2 मिनट का इन्होंने गैप ले लिया था, बीच में ब्रेक ले लिया था, थोड़ी सांस चढ़ गई इनके, वापस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद भागना शुरू कर दिया, राइट, बन गया ना। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्लीप, अब मान लो रूबी, हर्षिता, प्रिवानी, सॉरी ज्योति और पारुल, ये चारों बैठ करके टीवी देखते हैं रात को सोने से पहले, टीवी में भूत की फिल्म आ रही है, भूत की फिल्म कौन सी आ रही है, कंचना, जस्ट इमेजिन,
कंचना, उसके बाद फिर एक और मूवी इन्होंने देखी, बोला डर नहीं लग रहा कंचना से यार, कोई कंचना है ये कोई भूत है, बेवकूफ बना रही है, पारुल मजाक उड़ा रही है भूत का, कह रही है मैं अपने बाल खोल दूं तो ये तीनों भग जाए भूतनी, ये कंचना, कंजरिंग और एक और है नन, इस नाम की भी कोई फिल्म आती है। अब वो कंचना जो है ना वो बुरा मान गया इस बात को, कह रही यार बताओ यार हमारी तो औकात ही नहीं है, पारुल कहती है कि मैं अपने बाल खोल दूं तो तीनों भग जाए, कंचना फंचना जितनी है मेरे सामने कोई ना टिकेगी, मतलब कोई नहीं बेटा तू सो जा सपने में आऊंगी। अब पारुल रात को 12 बजे सो गई, सुबह 6 बजे उठना है मान लो, सपने में आ गई कंचना, हाथ धल लिया 2 बजे रात को उसका, बोला आ बेटा आ जा तेरे को खींच लू लाइन में। अब ये बिल्कुल हाथ पैर जोड़े पारुल कंचना के, नहीं दीदी मैं नहीं थी, दीदी 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 ऊपर से कसम से मैं नहीं थी, चश्मा भले ही मैंने भी पहना है लेकिन मैं वाली नहीं थी, मेरे को तो बहुत डर लगता है आपसे, वो मजाक उड़ा रही थी, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं नहीं थी मैं नहीं थी, चिल्लाते चिल्लाते आधी रात में उठ गई, मम्मी ने एक झापड़ दिया, सो चुपचाप से, जब देखो रात को घूम भूत की फिल्में देख के सोती है, वापस एक झापड़ पड़ा और उसके बाद दोबारा से ही अपना सोना शुरू कर दिए, एकदम जय हनुमान ज्ञान सागर करते हुए सो गए। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ लव, क्या ये हो सकता है पॉसिबल, क्या जस्ट इमेजिन, क्या ये कहे पारुल भाई 12 बजे करना शुरू किया और 3 बजे तक करना है और 2 बजे कोई फोन करके पूछे भाई क्या कर रहा है आज कल, क्या बोलोगे भाई लव कर रहे हैं जी हैं भाई कितना देर और, समझ रहे हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्या की नहीं बात, मतलब 12 बजे शुरू किया 3 बजे तक लव करना है, 2 बजे भाई थोड़ा गैप ले लिया उसके बाद वापस, पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया हमारा लव का, लविंग नहीं बनेगा, ये स्टेटिक वर्ब है, हेट यानी कि नफरत करना। अब ऐसा हो सकता है कि भाई अब जो है पारुल ने नफरत करनी शुरू करी रूबी को, 12 बजे नफरत करनी शुरू करी, 3 बजे तक नफरत करनी है, 2 बजे कोई आगे पूछता हो बहन क्या कर रही है, कहते बहन मैं नफरत कर रही हूँ उसको, थोड़ा सा वेट कर लेना बाहर, बाहर बैठ जाए 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा और बच रहा है नफरत, पॉसिबल है नहीं, फॉरगेट यानी कि किसी को भूलना, अब अपना जतिन है, अब वो भूलना शुरू किया उसने किसी को, एक हाथ में चक्कू हाथ लेकर के आप तो भूल जाऊंगा भाई साहब एकदम काट गए, अब ये भूलना शुरू किया 12 बजे बेचारे ने भूलना शुरू किया, 3 बजे तक बेचारे को भूलना है और 2 बजे को बीच में आकर के टोक दे और भाई क्या हाल तेरे क्या कर रहा है, वो बेचारा भूलना ही भूल गया था तेरी में भूल क्या रहा था, पॉसिबल है नहीं, फॉरगिव यानी माफ करना, 12 बजे माफ करना शुरू किया, 3 बजे तक माफ करना है, 2 बजे मम्मी आकर के दरवाजा ठोक रही है क्या कर रहे हो दोनों अंदर, डूबी 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 तो कहती मम्मी माफ कर रही हूँ उसको, थोड़ा सा वेट कर लेना बाहर 5 मिनट है ना, फॉरगिव का फॉरगिविंग भी नहीं बनेगा, मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा बहुत कॉमन सी बात है, 1 मिनट रोहित मैं बताता हूँ, बहुत कॉमन सी बात है कि ऐसे वर्ब जिनको बीच में क्या ना किया जा सके पॉज, जिनको बीच में क्या ना किया जा सके पॉज, वो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जिनको पॉज नहीं किया जा सकता वो स्टेटिव होता है, जिनको पॉज किया जा सकता है वो नॉन स्टेटिव है, उसको तो आप किसी में भी बना लो, उसको चाहे सिंपल में बना लो, कंटिन्यूस में बना लो, परफेक्ट में बना लो, परफेक्ट कंटिन्यूस में बना लो, लेकिन जिनको बीच में पॉज नहीं किया जा सकता वो हमारे स्टेटिव है, जैसे लव है, हेट है, लाइक, डिसलाइक, फॉरगेट, फॉरगिव, अभी मैं लिखवा देता हूँ। अब बात क्लियर हो गई है पूरी अच्छी तरीके से, पहचानना आ गया आपको, एक बार ठेंगा दिखा दो, कैमरा तो ओपन करोगे नहीं, नहाते धोते नहीं, कोई बात नहीं, ठेंगा ही दिखा दो, शाबाश बहुत बढ़िया, लोग सोते सोते भी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे, बढ़िया है बेटा बढ़िया है, गलती से कैमरा ऑन हो गया, कोई बात नहीं, सो जाओ कोई बात नहीं, वो बेचारी ठेंगा दिखाने के चक्कर में उससे कैमरा वाला बटन दब गया, वो सो रही थी और एक ने और दबा दिया था लास्ट टाइम, पता नहीं कौन थी वो किचन में बैठी थी, किचन में आटा गूंथते हुए एकदम चूहे की तरह बैठी, वो पटाख से उसने फिर उसको बंद किया, हालांकि किसी ने ध्यान दिया नहीं था लास्ट टाइम उस पर। ओके अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लाइक जो था ये हमारा स्टेटिव था इसलिए गलत हो गया, वॉन्ट भी उन्हीं में से एक वर्ड आता है तो इसलिए वॉन्टिंग कट गया, अच्छा वॉन्ट और वॉन्टेड, अब टीचर सिंगुलर है, अगर वॉन्ट्स लिखा होता ना तो सही होता, लेकिन वॉन्ट्स नहीं लिखा ना, ये तो वॉन्ट है, इसलिए आंसर आया डी। तो बेटा अब लिख लो सम इम्पॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, पहचानना तो आपने सीख लिया, अब लिख लो सम इम्पॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स,
जैसे कौन कौन से लव, एक मिनट मार्कर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फॉरगेट, फॉरगिव, अंडरस्टैंड, बिलोंग, सी, हियर, नो, वांट, बिलीव एक्सेट्रा। चलो फटाफट लिख लो एक बार। अभी किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा था, एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, अभी पढ़ लेता हूँ क्या लिखा आपने। आई एम लविंग इट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आपने बताया था यहाँ लव का लविंग लिखा होता है। अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया। इसके बाद जेतन लिखते हैं इसलिए कैमरा ऑफ है। ओहो अच्छा सर, एक एड आई एम लविंग इट लिखा होता है, कॉन्सेप्ट प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए क्यों लिखा होता है, आपने बताया था। अच्छा दो बार लिख दिया आपने, ओके अभी बताता हूँ, अभी बताते हैं। इतना लिख लिया, जितनी बातें समझाइए उतना एक बार दिखा दो ठेंगा अगर हो गया हो तो। चल बढ़िया बढ़िया शाबाश। ये जो कैमरा ऑफ करके पढ़ते हैं ना, मुझे तो ये डाउट होता है खाते खाते पढ़ रहे हैं क्या, मतलब कुछ बोलना तो है नहीं, टूसते रहो और पढ़ते रहो, टूसते रहो पढ़ते रहो, मां जो कोई आटा गूंथते हुए पढ़ रहा होता है। सही है नहीं, ऑनलाइन की पढ़ाई गजब है, मतलब टीचर पागलों की तरह पढ़ाता रहे बिल्कुल एकदम सीधा मेंटेन होकर के बैठ के, और बच्चे कैमरा ऑफ करके आराम से यहाँ पबजी चल रहा हो यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ आटा गूंथ रहे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। सही है, साइकिल चलाते हुए पढ़ रहे हैं। बढ़िया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो तीन के कैमरे ऑन हो गए। हाँ बेटा, वो जो आई एम लविंग वाला पूछ रहे थे ना, वो मैं जरा आपको समझा देता हूँ। सर ऐसा कुछ नहीं है, अनम्यूट प्लीज। अच्छा अनम्यूट करूँ, एक मिनट अभी करता हूँ, जरा इनको मैं आई एम लविंग वाला जो कौन सा पूछ रहे हैं ना, ये मैकडोनल्ड में कभी गए होंगे, अभी उन्होंने सुना होगा परप्पा पप्पा आई एम लविंग इट, है ना, आई एम लविंग इट। तो पुत्र वो गलत होता है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता ही है, होना नहीं चाहिए, ऐसा होता ही है, कभी ध्यान से पढ़ना सुनना, आई एम लविंग इट होता है वो, ठीक है, I am love in it, ये होता है। अच्छा अब यहाँ पे छोटी सी बात और कि सर अब स्टेटिव वर्ब में ing का यूज करे तो कहाँ करे, ये भी तो सीखना जरूरी है। ये तो हमने सीख लिया कि भाई स्टेटिव में ing कभी नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि कभी नहीं आता, ये कहना गलत है, ये ध्यान रखना कि सिंपल में आता है, परफेक्ट में आता है, इन दोनों में नहीं आता। तो अब स्टेटिव में ing का इस्तेमाल क्या कभी किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे, अब ध्यान से सुनो, अधूरा ज्ञान कहते हैं ना खतरनाक होता है, इसलिए ओके एक छोटा सा पहले एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे स्टेटिव में आईएनजी आता है, ठीक है ओके। एग्जांपल लेते हैं किसी का प्यारा सा, हाँ जी आ गई, इनको लपेटते हैं, देखो बच्चों एग्जांपल जरा, पारुल लाइक्स सिंगिंग, एक मिनट, पारुल लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब आया लाइक और एक वर्ब आया सिंगिंग, दो दो वर्ब आ गए, एक आया लाइक्स एक आया सिंगिंग। बेटा अनम्यूट अभी मैं आपको कर दूंगा, एक सेकंड अभी बता देता हूँ। अरे सुन लो पुत्री, देखो पारुल लाइक सिंगिंग, यहाँ पे लाइक्स भी एक वर्ब लग रहा है, सिंगिंग भी। अब सोचो बेटा अगर मैं पारुल की जगह दे लगा दू तो लाइक्स का क्या बन जाएगा, लाइक बन जाएगा, क्या ये चेंज होगा, नहीं सर ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसका चेंज करके पास्ट बदल दूं तो लाइक का बन जाएगा लाइक, क्या ये चेंज होगा, नहीं सर ये चेंज नहीं होगा। यानी वर्ब हमारे पास ये भी थे, वर्ब हमारे पास ये भी थे, क्या ये बदल रहे हैं, नहीं ये बदल रहे हैं, हाँ। तो हर बार हमने या तो सब्जेक्ट को चेंज किया,
या तो टेंस को चेंज किया। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से बदल जाए उसको बोला जाता है मेन वर्ब। क्या बोला जाता है बेटा? मेन वर्ब, जो सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से बदल जाए, जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना ही टेंस का असर पड़े, उसको बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोला जाता है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर से बोलो प्यार से, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इतनी बात क्लियर हो गई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाए उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलते वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब एक एग्जांपल देखो, आई लाइक हर फॉर गिविंग नेचर, देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि सर देखो यहाँ तो आईएनजी आ गया, आपने बोला था, लेकिन यहाँ तो आ गया, आपने कहा था कभी नहीं आएगा। तो बेटा मैंने आपको बोला था ना कि कब आना है कब नहीं आना है, वो अब सीख लो। अगर सोचो अगर मैं यहाँ पे आई की जगह, अगर मैं आई की जगह ही लगा दू तो ये लाइक का क्या बन जाएगा? लाइक्स। क्या ये बदलेगा? पढ़ के देखना, ही लाइक्स हर फॉर गिविंग नेचर, ये तो सेम ही रहेगा। अगर हम इसका टेंस चेंज करके लाइक का लाइक्ड बना दे तो क्या ये बदलेगा तब भी? नहीं सर, ये तब भी नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी कि ये फॉर गिविंग जो है कैसा है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इस पे आ जाओ, अगर मैं इसको प्रेजेंट बना दूं तो वॉस की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग। क्या इसमें बदलाव आएगा? नहीं सर, ये नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, ये भी हमारा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ध्यान रखना इस बात का कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी सिर्फ और सिर्फ तब आएगा इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब में ही किया जा सकता है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी, लिख लो जल्दी से, का प्रयोग केवल नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब को थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं वर्ब की क्लास के लिए, वर्ब की क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जिसपे ना ही टेंस का असर पड़ता है ना ही सब्जेक्ट का असर पड़ता है। ठीक है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनपे ना ही टेंस का ना ही सब्जेक्ट का असर पड़ता है। तो अगर स्टेटिव नॉन फाइनाइट की तरह यूज हो रहा है तब तो आईएनजी लगा दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आरुल डन, तीन ही कैमरे दिख रहे हैं बस। तो तुम तो बड़े खुश रहो तो भाई। ओके जी, किसी का कोई डाउट? एक मिनट देख लेते हैं, किसी का कोई कमेंट बॉक्स में आया है क्या? अगर सिंपल में आईएनजी का यूज करेंगे तो कंटिन्यूअसली बन जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं आएगा। अरे अठन्नी, आंसर मिल गया कि बताऊंगा इसे? ये आई लाइक हर फॉर गिविंग नेचर, ये टेंस कौन सा है? सिंपल ही तो है, मेन वर्ब तो लाइक्स है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है ना ये। फॉर गिविंग तो दिखने में वर्ब लग रहा है, वो नॉन फाइनाइट जो होते हैं ना वो सिर्फ दिखने में वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जो फॉर गिविंग है ना ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे वर्ब जो दिखने में वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे आप लोग सिर्फ दिखने में शरीफ लग, कुछ नहीं, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट मतलब जो दिखने में सिर्फ वर्ब लगते हैं लेकिन होते नहीं है। ठीक है, जैसे पारुल सिर्फ दिखने में शरीफ लगती है लेकिन गली के पीछे खड़ी होकर के तम्बाकू बनाते देखा था मैंने एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा नॉन फाइनाइट। अच्छा, ये टाइम भी हो गया, आज तो पता ही नहीं चला यार, पढ़ाते पढ़ाते मौज आ गया। तो एक क्लास फिर और लग जाएगी, एक क्या आधी क्लास और लगेगी फिर ये खत्म हो जाएगा आपका। खैर, तो बेटा अब आपका ये जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उस पर आ जाते हैं वापिस। तो आपने आज सीख लिया कि भाई स्टेटिव वर्ब क्या होता है, कब आ सकता है कब नहीं आ सकता आईएनजी, वो सारी बातें सीख दी हमने, है ना।
ओके, अब यहाँ पे मैंने शायद कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, एक मिनट दिस इज द हॉटेस्ट समर अयर, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे, एक बार अपने आप करके दिखाओ, ये मैंने कल की क्लास में दिया था, कल की या उससे पहले वाली क्लास में, अनम्यूट कर दो, हाँ जी अनम्यूट कर दिया ये लोग, बस बेटा फालतू का मत ऑन रखना बस, ठीक है अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, ओके बेवजह में बस ऑन करके मत रखना, कर दिया बेटा अनम्यूट कर दिया, फर्स्ट का आंसर दो आप, ये आपके बैंकिंग के एग्जाम का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, दिस इज द हॉटेस्ट समर वी हैव इन द लास्ट फलाना टाइम का ईयर, हाँ जी लक्ष्य, ये तो थैनोस लग रहा है भाई बिल्कुल, तुम्हारे पीछे से लाइट पड़ रही है ना तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है, चलो 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 आंसर दो बेटा आंसर दो, वैसे मैं आप लोगों की आवाज आपको लौटा चुका हूँ, पता नहीं है आपको शायद, अनम्यूट करके देखो हो जाएगा, We have had in the last... अच्छा अच्छा मैंने ही लीड नहीं लगा रखी है, ओहो एक मिनट आप बोलो वही मैं कह रहा हूँ आवाज क्यों नहीं आ रही है, हाँ जी आप बोलो, We have had in the last 20 years, चलो बढ़िया, देखो बेटा तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंग क्या आ रही है कि ये जो हॉट समर है ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है पिछले अभी तक के 40 सालों में, ठीक है होता ही है वैसे समर्स में इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि क्या है, तो दिस इज द हॉटेस्ट समर वी हैव इन द लास्ट 14 इयर्स, तो वी हैव अकेला नहीं आएगा, वी हैव हैड आएगा, हैव और हैड एक साथ यूज किया जाएगा, और ये थर्ड वाला वैसे भी सिखाया नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट और बचा, दो कॉन्सेप्ट बचे, ये पॉजिटिव केस होगा फर्स्ट वाला, पॉजिटिव, अच्छा थर्ड वाले का कोई बता सकता है, वैसे सिखाया तो नहीं है अभी मैंने, फिर भी है किसी को कोई आइडिया हो तो, नहीं नो आइडिया, चलो खैर ये मैं आपको अगली क्लास में सिखा देता हूँ, अब ये बताओ आज की क्लास में जितना पढ़ाया उसमें कहीं कोई डाउट दिक्कत परेशानी समझ में आ गई, कि अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो ठेंगा दिखा दो, शाबाश ज्योति डन, हाँ अमित यादव डन, हर्षिका डन, लक्ष्य डन, संगीता, रूपल, असीम, ठीक है बहुत बढ़िया, जतिन आपको नहीं आए क्या, केतु, जतिन और नीचे यतिन, मोनिका, राकेश, अरे भाई तुम लोगों का नहीं दिखा ऐसे, हाँ ऐसे ही कंफर्म हो जाता है ना मुझे फिर, हाँ और ये कौन है, 242013 इस नाम से कोई है बट आप या तो नाम लिख के आया करो मेंशन करके या तो आवाज से बोल दिया करो, हैव बीन मैरिड होगा तीन वाले में, आपने सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि वो स्टेटिव वर्ब क्यों है, कौन सा दोबारा बोलो, सी आपने लिखा था ना सी भी जो है वो स्टेटिव वर्ब है, तो बहुत बार मैंने देखा आई एम सीइंग हिम, हाँ वो मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, आपने अनम्यूट ही नहीं किया इतनी देर से, मुझे आई वाज सेइंग कि अनम्यूट प्लीज अनम्यूट, हाँ तो लिखने का भी ऑप्शन होता है ना, इतना आलसी मत बनो, अरे कौन 10 घंटे टाइप कर रहा है, वाज वेटिंग कि आप मुझे कब अनम्यूट करेंगे, बेटे आलसी मैं कह रहा हूं ना, ये तंबाकू खाती है बड़ी वैसी है, चलो सकल में मत जाना, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे सी का सिंग क्यों नहीं बनता, सी का सिंग क्यों नहीं बनता, ये स्टेटिव कैसे था, सी का क्या हियर का भी सुनो आप, देखो हाँ हियर का भी सुनना है, ध्यान से सुनो, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी का, यस सर यस सर, आप सुनो तो कितना पेज है भैया, ये आया देखो तो लेते हैं तगड़ा सा बढ़िया सा एग्जांपल, फंटास्टिक, लड़कियां ज्यादा है बैच में तो लड़कियों वाले एक एग्जांपल लेते हैं, ये टीवी भी तो देखते हो ना सारे, टेलीविजन तो देखते ही हो सारे, टेलीविजन पे कुछ कार्टून फार्टून से भी आते हैं, सीरियल आते हैं, जैसे आपने सुने होंगे ये ससुराल समीर का, यस नहीं ससुराल सिमर का, हाँ वही वही एक आता है टुनटुन भाग्य, भाड़ में जाना साथिया, तो ऐसे करके कुछ ऐसे आते हैं एक से बढ़कर, आप भी देखते हो सर ये सीरियल, अरे मैं नहीं देखता भैया, घर में चलते रहते हैं तो आवाज कानों तक गूंजती है मेरे, उसमें एक आता ना गोपी बहू टोपी बहू भाड़ में जाना साथिया, तो वो चलता ही रहता है, दादा दादी बन गया लेकिन इतने यंग दिखते हैं कसम से नियत फिसल जाए तुम्हारी, अच्छा खैर मजाक कर रहा हूँ आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे
उस सीरियल्स में होता क्या है कि दो इंसान होते हैं, एक सास और एक बहू, ठीक है, ये उसकी बहू है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सास है और ये बहू है। अब इन दोनों में किसी न किसी बात पर हमेशा टेंशन रहती है, बनी रहती है, झगड़ा होता रहता है। ये बहू तो बेचारी इसकी जिंदगी में तो इतना नरक है, इसकी जिंदगी बेचारे डायरेक्टर ने ना पूरी पूरे तकलीफ इसी को दी है। एक प्रॉब्लम से निकलती है, दूसरे प्रॉब्लम में घुसेड़ देते हैं, वहां से निकली दूसरे में घुस जाती है, ऐसी ऐसा टेंशन है। अब इन दोनों में लड़ाई नहीं होता, अब इतना दोनों में टेंशन हो रही होती है, वो बोलती है मुझे पता है सच्चाई क्या है, बहू कहती है मुझे पता है सच्चाई क्या है। इतने में एक तीसरा आता है हीरो सा, वो आकर के कहता है रुको 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 रुको, तीन चार बार आवाज गूंजती है ऐसे करके, है ना। और उसके बाद अब जो बंदा आया है रूम में, अब उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, अब देखो क्या होगा, सस्पेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब जो बंदा आया है उसको टुकड़ों में दिखाया जाएगा, पहले दिखाया जाएगा उसकी घड़ी, हाथ में जो घड़ी टांगेगी घड़ी दिखाई जाएगी, फिर उसके बाद आंखें दिखाई जाएगी टुकड़ों में, टें टें हैं, फिर होंठ दिखाए जाएंगे, हमारा सस्पेंस बढ़ गया। अब उसने रुको जैसे ही बोला है तो पूरा खानदान रुक जाता है उसका, और इवन जो असली में जो सास बहू जो सब्जी काट रही होती है ना, रूबी हर्षिका पारुल जो भी, वो भी रुक जाती है, अरे रुकने को बोला है रुक जा थोड़ी देर, है ना, तो रुकने को बोला है तो रुक ही जाते हैं असल में। और उसके बाद जो बंदा आया उसकी तरफ कैमरा अभी भी नहीं घूमेगा। अब जितने लोग क्लास में या मतलब उस घर में खड़े होंगे ना, सबकी तरफ कैमरा एक ही करके घूमेगा, धुड़ूम धुड़ूम, मतलब कुत्ते का बच्चा बैठा है उसकी तरफ भी कैमरा ले जाएंगे, धुड़ूम, पता नहीं यार वहां वो क्या सोच रहा है उसकी तरफ ले गए कैमरा। उसके बाद और सस्पेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि बिजली कड़का देते हैं एकदम पीछे से, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। उसके बाद हमारा एकदम खून में उबाल आ जाता है, आप तो दिखा दे भाई कौन है। उसके बाद जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ये धुम तना ना 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 धुम तना ना, कसम से भाई साहब गदर मचा देते हैं। कई बार तो हम भी अपना काम धाम छोड़ करके देखने लग जाते हैं, अरे भाई कौन आ गया यार, ये ऐसा धुमता ना होता है ना, फैक्ट है ना ये सब, ऐसा ही होता है, ठीक है। और फाइनली देखते हो सर अब पूरा हो गया एक्सपीरियंस तो आप फाइन, अरे मैम के साथ कर भी देखते हैं, मैं क्या करूं यार कसम से, उसमें जो और मतलब, मुझको बोलते रहते थे क्लास में, मेरे वो देखता हूं तुम बड़े हैवी ड्राइवर। अरे वो एक्चुअली क्या है कि मैं उसमें ना सिर्फ नए नए कैरेक्टर को देखने के लिए आता हूं यार, सारे जितनी भी नई कैरेक्टर, एक मतलब अगर उनके घर की एक नौकरानी भी होती है ना, वो भी कति इतनी सुंदर होती है कि खैर जाने, ठीक है। तो अब होता ये है कि अब उसमें जब फाइनली सारे धुमताना खत्म हो जाता है, तो जो बंदा आया रूम में उसकी तरफ जब कैमरा घूमता है तो अब भी चेहरा नहीं दिखाएंगे, जूतों से शुरू करेंगे कैमरे को, और धीरे धीरे करके कैमरा धीरे धीरे करके ऊपर मूव करेंगे, फिर जूता शर्ट टाई बेल्ट और गर्दन तक लाने के बाद वॉशिंग पाउडर निर्मा आपका एड चल, और एड भी ऐसे ₹2.5 वाले लॉलीपॉप से एड आते हैं कि अगर आप देखोगे तो आप कभी ध्यान से सोचोगे तो हंसी आ जाएगी। एक ऐड आता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, एक ऐड ऐसा भी आता है, एक आंटी छत पर खड़ी होकर के टंकी में झांक के कहती है सारा पानी इसी ने खत्म किया होगा, ठीक है, उसको मन मन में गालियां देकर के नीचे आ जाती है। अब उसके बाद एक सुंदर सी लड़की आती है जो पारुल टाइप, ऐसे दो हाथ में बाल्टी लेके गेट नॉक करती है, आंटी पानी खत्म नहीं किया बचा है, अरे पागल बचा था तो टंकी में छोड़ देती, बताओ इतनी गालियां पड़ गई तेरे को, कैमरे में तो नहीं दी होगी असल में तो दी होगी अरे कॉमन सी बात है, पानी बचाया था तो टंकी में छोड़ देती, बेवकूफ बना रहे यार हमको, अब कह रहे ऋण ले लो ऋण ले लो, अरे वैसे बोल दे ऋण ले लो तो हम वैसे ही ले लेंगे, पांच भाई साहब उनसे नहाते हैं ये लोग, ऋण ऋण बेच रहे हैं यहाँ पे आके, एक से बढ़कर एक ऐड। फाइनली जब सारा ऐड खत्म हो जाता है तो दोबारा से टेंटेड एन, फिर जूतों से शुरू करेंगे, फाइनली गर्दन दिखाएंगे, उसके बाद दिखाओ अगले हफ्ते। अब सोचो जरा, कभी कॉमन सी बात सोचो, अरे बात, और ये वीकेंड पे करते हैं, ये वीकेंड पे ही करते हैं कि अब दिखाएंगे अगले हफ्ते, शुक्रवार को खत्म हुआ, सैटरडे संडे ऑफ है, हॉटस्टार पे जाके देखो सब्सक्रिप्शन लेकर के, पता चलता है यार ये तो चुन्नू का लड़का, ये तो पिछले एपिसोड में मर गया था, ये वापस कहाँ से आया, है ना। अच्छा अब देखो होता क्या है, अब रियल लाइफ से जरा इम्प्लीमेंट करना, ध्यान से सुनो, मैं वापस आंसर पे आ गया आपके, इतना जो मैंने आपको पूरा घुमाया है ना वो आपके आंसर पे लाने के लिए घुमा रहा था। देखो आप सोचो, अगर रियल लाइफ में आप कहीं बैठे हुए हो, क्लास चल रही है ऑफलाइन, भरी हुई क्लास है, अब कोई बच्चा पीछे से गेट से एंट्री करता है, तुम सारे पीछे मुड़कर देखते हो, ठीक है, एकदम जूतों से देखना शुरू किया, धीरे धीरे ऊपर उतरे हो रहे हो, पारुल अपना बजा रही है डेस्क को, धुमताना, ठीक है, सोमा वहां पे लाइट को खटका बंद कर रही है, जला रही है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया माहौल, वो जो बेचारा रूम में अंदर आ रहा था वो भी भग जाएगा डर के मारे, ओ भैया पागल हो गए सारे ये क्या तरीका देखने का, जूतों से शुरू किया देखना, धीरे धीरे करके देख रहे हैं, वो भग गया। अब मैं आपसे पूछूं, बेटा देखा कितना देखा आपने, आपका निगाह कहती है सर मैंने घुटने तक देख लिया उसको, निशांत कहता है सर मैंने हाथ बाजू तक देख लिया,
मोनिका कह रही सर मैंने तो गर्दन तक देख लिया था उसकी। राशि बोलते सर मैंने बस हाथ हाथ देखा उसका, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। अरे भाई देखोगे तो पूरा ही तो देखोगे किसी को, ऐसा तो है नहीं कि स्कैन मारोगे धीरे धीरे करके ये मूव हो रहा है हाथ पैर, है ना। तो बेटा ये जो सी, एक मिनट मार्कर खा गया, ये जो सी होता है इसका आप कंटिन्यूटी में नहीं बना सकते। टीवी के सेंस में हमेशा वॉच बोला जाता है, वॉच का तो वॉचिंग हो सकता है टीवी, क्यों? क्योंकि वॉच का मतलब होता है कि आप सिर्फ उतना ही देख सकते हो जितना कैमरा दिखाएगा, ना कम ना ज्यादा। समझ में आई बात? तो इसलिए वॉच का वॉचिंग बोलते हैं। कभी आपने टीवी में सुना है ना ऐसे बोलते हैं ना, यू आर वॉचिंग, कभी भी ये नहीं बोलते यू आर सीइंग। सर ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना कि मतलब आप कंटीन्यूअसली किसी चीज को देख रहे हो तो वॉच बोलते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए उसको वॉच बोलते हैं, यानी कि आप और वहां पे आप कैमरे के फाउंडेशन, मैंने ये वहां पे आप कैमरे के फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप उतना ही देख सकते हो। बट आई एम आस्किंग कि समटाइम्स आई हैव सीन कि आपने ऐसे भी देखा होगा ना कि आई एम सीइंग दैट। अरे बेटा वो देखो सुनो, असल जिंदगी में ये जो सी होता है इसका तो इंजन ही बनाते, तो इसकी जगह वर्ड लिया जाता है लुक, लुक का लुकिंग बना सकते हैं। जैसे हियर है, अब हियर का हियरिंग नहीं बनाते तो हियर की जगह लिसन, लिसन का लिसनिंग बना सकते हो। कभी एफएम में सुना नहीं यू आर लिसनिंग 93.5 रेड एफएम, कभी भी यू आर हियरिंग नहीं होता। बेटा हियरिंग का मतलब है कोर्ट में पेशी, समझ गए? हियरिंग का मतलब होता है कोर्ट में जब तारीख आते हैं ना किसी की, कोर्ट में पेशी होते हैं उसे हियरिंग बोला जाता है। तो वो एक जेरंड है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। उसी तरह सी का भी आईएनजी मतलब है। सुनने में अच्छा लगता है कि मुझे सड़क पे एक आदमी दिखाई दे रहा है, आई एम सीइंग अ पर्सन ऑन द रोड, लेकिन गलत है वो, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन सर लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते हैं आर यू लिसनिंग मी, तो हम बोलते हैं यस आई एम लिसनिंग यू, आई एम लिसनिंग टू यू। हाँ तो मतलब लिसनिंग में आईएनजी लगा ना। हाँ तो हियरिंग में नहीं आ सकता ना। देखो हियरिंग में तो नहीं आता, सुनो हियर का सब्स्टिट्यूट होता है लिसन और सी का सब्स्टिट्यूट होता है लुक। समझ में आई बात? सी का सब्स्टिट्यूट लुक होता है और हियर का सब्स्टिट्यूट लिसन होता है। तो सी में आईएनजी नहीं लगा सकते, लुक में आईएनजी लगा सकते हैं, हियर में आईएनजी नहीं लगा सकते, लिसन में आईएनजी लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो ग्रामर ने सबको एक सब्स्टिट्यूट दे रखा है, समझ गए? अब जैसे मान लो पालू तम्बाकू नहीं खाती है तो उसकी फ्रेंड खा सकती है जो उसके रूम में रहती है, या वो नहीं खा सकती है तो पालू खा सकती है, सब्स्टिट्यूट है अवेलेबल है। समझ गई बात? ठीक है, ये ग्रामर ने ऐसे ही नियम बनाए हुए हैं, तो आपको उसी के हिसाब से चलना है। सुनने में मैंने क्या बोला, कभी यूज नहीं कर सकते ऐसा मत बोलना, नॉन फाइनाइट वर्ब में कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट में कर सकते। हाँ यही तो मैं आपसे कहना चाह रही थी, नॉन फाइनाइट में कर सकते हो। बेटा इस बात को ना हाथ पे गुदवा लो, तुम्हें ध्यान रहेगा, तुम मंद बुद्धि हो, भूल जाते हो। ठीक है हाँ अब ठीक है, अब ठीक, अब सही है, अब याद हो गया। मतलब नॉन फाइनाइट में हम स्टेटिव वर्ब कोई सा भी यूज करें, नॉन फाइनाइट में तो बेटा कछु भी वर्ब आ जाए, सीधा बंद करके आईएनजी लगा दो सीधा। और एक एक छोटा सा ट्रिक बताऊं आपको? यस वो पहले चाहिए तुम लोगों को, मतलब भुगली घुट्टी 555 चाहिए, लॉजिक कितने भी सिखा दो लेकिन तुमको बताना पड़ता है ना, ट्रिक चाहिए ही चाहिए। देखो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई वर्ब आ जाए तो वहां आईएनजी लगाते ही लगाते हैं हमेशा, इसी को ही नॉन फाइनाइट कहते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग, प्रीपोजिशन के बाद कितने भी स्टेटिव वर्ब आ जाए आईएनजी आएगा ही आएगा, बिफोर सीइंग दैट पर्सन, है ना, बिफोर लविंग दैट बॉय यू शुड गो थ्रू हिज नेचर, या कुछ भी ऐसा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है, और ये जो आईएनजी फॉर्म में आ रहे हैं यही नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वैसे ये ट्रिक थी छोटी सी, बाकी आपको जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आफ्टर मीटिंग हिम, बिल्कुल बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर कमिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग यू शुड आस्क योर पेरेंट्स, है ना। बस एक एक्सेप्शन होता है इसका, एक्सेप्शन टू, ये जो टू होता है ना इसके साथ आईएनजी भी आता है और अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। टू एकमात्र एक्सेप्शन है, टू भी प्रीपोजिशन है लेकिन टू एक ऐसा वर्ड होता है, एक अकेला एक्सेप्शन है जिसके साथ आईएनजी नहीं भी आता, बाकी सब में आईएनजी आता है। समझ में आ गई बात? बोलो यस। यस सर। चलो तो आज तक आपने, ये लक्ष्य छोटा सा बच्चा है क्या?
अरे बच्चा नहीं है वो, कुमार का लौंडा है वो, उनकी दीदी पढ़ती है, मतलब वो भी पढ़ता है साथ साथ में, तो उनकी दीदी वो साइड में, एक बार बेटा घुमाना कैमरा उसकी एक्टिविटीज से लग रहा है वो छोटा बच्चा है। अच्छा वो थैनोस की तरह वो मुंह में उंगली और ऐसा ऐसा कर रहा है इसलिए वो अठन्नी ऐसी करता है वो। उनकी दीदी आपसे भी बड़ी है बेटा, मतलब एमए कर रही है वो, तुम हल्के में ले रही हो, मुझसे बड़ी है और क्या। अरे एमए कर रही है वो, कैमरे के पीछे बैठी है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, कैमरा पकड़ के बैठी होगी, वो लक्ष्य पड़ रहा है सामने तो कैमरा पकड़ के बैठी होगी। चलो मजा आया आज की क्लास में, समझ में आया अच्छे से, इंटरेस्टिंग। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। अब खाना वाना खा लो, मैं भी खा लेता हूँ, वरना ज्यादा लेट हो गया तो फिर पिटूंगा आज, मतलब तुम लोगों के चक्कर में ना हर बार 10:30 से सीरियल निकल जाएगी सर आपकी, अब सीरियल निकल जाएगी बेटा हमारे, हमारी हो जाएगा बाढ़ में जाना साथिया। फर्स्ट बैच के बाद आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास देख रहा हूँ। चलो हाँ एक बात और अनाउंस करनी थी भाई, अब आप लोगों की YouTube पे लाइव सेशन स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, दो तीन सोर्सेस से, एक तो विवांता से तो होती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ बाहर, घर से तो घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो YouTube पे लाइव सेशंस होंगे, DSSB के जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए जो है, स्पेशली फॉर DSSB उनके लिए, अब सीट पे SCDP का भी स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट, और कौन सी मैडम पढ़ाएगी तो आरती मैडम, ठीक है जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा मैं उनसे, आरती मैडम से। आपकी मैडम? अरे आरती मैडम, आपकी मैडम कौन बोला ये? आपकी मैडम आरती सर, मैं स्टार्टिंग की दो क्लासेस नहीं ले पाई थी तो उसके लिए कैसे करूं सर? उसके लिए ये करना है आपको कि राजमा चावल बना करके मेरे घर के एड्रेस पे भेजना है आपको, मैं बैकअप दे दूंगा। राजमा चावल तो अभी बने हैं, अभी तो मैं अब पेट भर चुका है मेरा, अभी तो मैं खाना खा चुका हूँ, तो कल परसों कभी भी एड्रेस में भेज दूंगा आप वहाँ पे मेरे को, जोमेटो से नहीं, आप ही के हाथ का बना हुआ बढ़िया सा राजमा चावल डिलीवर कर देना, मैं आपको फिर टेंस के दोनों बैकअप दे दूंगा, ठीक है? तो सर तब तक वेट करना पड़ेगा राजमा चावल से, पहले पहले नोट चाहिए थे पढ़ने के लिए मुझे। अरे भेज दूंगा, व्हाट्सएप करना, भेजता हूँ आपको, ठीक है? सर वो क्लास को भी थोड़ा मतलब, थैंक यू सो मच सर। चलो ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। और किसी का कुछ सवाल? 8:30 से बोला था मैंने सर। अरे हाँ बेटा देखो, एक बच्चे की बस वो थी डिमांड 8:30 से 9:30 हो जाए क्लास, बट एक के हिसाब से तो हो नहीं पाएगा ना सारा, तो मैं एक बार ग्रुप में पूछ लूंगा अगर ज्यादा बच्चे एग्री करे तो, क्योंकि ये बैच इसी टाइम के हिसाब से चला है और मोस्टली जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको यही टाइम से सबको सबको 9:30 का ही टाइम सूट करता है, पिछले एक साल से यही टाइम चल भी रहा है, तब एक बच्चे की वजह से चेंज नहीं कर सकता। हाँ बैकअप मिल जाएगा आपको भले ही, लेकिन अरे ये कौन आ गए भाई? अरे बाल खोल के मत आया करो, मैं तो डर गया था मैं भग जाता यहाँ से, आपने गाना लेटे लेटे क्लास ले रहे तो आई थॉट कि मुझे उठ जाना चाहिए।